इतिहास के पन्नों की तरफ रुख कर लेते हैं ओंकार जी, और 12 मई का दिन है आज, गर्मियां हैं, आइसक्रीम जी जी, आइसक्रीम का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं आज क्योंकि आइसक्रीम को विज्ञापन या आइसक्रीम की पब्लिसिटी से जुड़ा हुआ दिन आज है, आइसक्रीम की एडवर्टाइजमेंट से जुड़ा हुआ दिन आज का है ओंकार जी। बात 1770 की है और आज के दिन 12 मई के दिन आइसक्रीम का विज्ञापन पहली बार वाकायदा किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन एक दिया गया था कि तब दुनिया को पता लगा था कि विज्ञापन भी कोई चीज होती है, एडवर्टाइजमेंट भी कोई चीज होती है। 1770 की तरफ चलते हैं ओंकार जी, और ये बात अमेरिका की है, आइसक्रीम कंपनी थी यहाँ की एक, और उस आइसक्रीम कंपनी ने अपने लोगों को एक संदेश देना था कि आइसक्रीम अब उपलब्ध है, आप कभी भी ले सकते हैं, और उसके लिए बाकायदा एक टेलीविजन पर विज्ञापन जारी किया गया न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका के 1770 में। आप देखिए कि कितना बड़ा एक ये कितनी प्रगति उस वक्त अमेरिका में हो चुकी थी। ये विज्ञापन जारी हुआ था ओंकार जी, और इस विज्ञापन को जारी करने वाले थे फिलिप लेन जी, इन्होंने यह विज्ञापन किया था और न्यूयॉर्क गैजेट में यह विज्ञापन जो है वो आइसक्रीम का प्रसारित हुआ था। और यह विज्ञापन में जिसमें ये जो विज्ञापन था ओंकार जी, इसमें पता क्या लिखा था कि आइसक्रीम अब हर दिन उपलब्ध है, यह विज्ञापन था, इन पंक्तियों के साथ ये विज्ञापन जारी हुआ था। तो 1770 में पहली बार आइसक्रीम को प्रचारित करने के लिए विज्ञापन दिया गया था, और इसके बाद फिर इन टैग लाइन्स को, इन विज्ञापन के आप कह लीजिए कि रिकॉर्ड्स को जो संभाल के रखा अमेरिका में, तो वो संभाल के रखा था चैथम स्ट्रीट ने। तो उसके बाद फिर अमेरिका के लोगों को एक सूचना एक तरह से फैल गई कि आइसक्रीम किस तरह से, आइसक्रीम होती क्या है और इस ये आइसक्रीम कहां मिलती है, इसका विज्ञापन ये जारी हुआ था 1770 की मैं बात कर रहा हूं कार जी, 12 मई का दिन इसमें जुड़ा हुआ है। 1965 की तरफ रुख कर लेते हैं, सोवियत संघ की तरफ रुख कर लेते हैं कार जी। स्पेस पर आप कह लीजिए कि कब्जे की जंग तो बड़े पहले से एक तरह से शुरू हो गई थी और 1950 के दशक के बाद से ये लगातार ये जिस तरह से बढ़ी हुई जंग तो आज भी चली हुई है कार जी। बात 1965 की करें तो सोवियत संघ ने एक प्लान किया कि हम चंद्रमा पर मानव रहित एक यान भेजेंगे जी। क्योंकि उससे पहले देखें तो 1959 में एक मानव युक्त यान सोवियत संघ वहां भेज चुका था ओंकार जी, तो उसमें देखें लूना 2 था वो, 1959 में उन्होंने भेजा था और वो बिल्कुल कामयाबी भी उन्होंने हासिल की थी। लेकिन 1965 में आते हैं तो एक प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम करना शुरू किया, लूना 5 पे, और लूना 5 वो था कि मानव रहित था, इसमें इंसान नहीं, सिर्फ उन्होंने उसको लॉन्च करना था वहां पे चंद्रमा पे। लेकिन 12 मई को जब वो चंद्रमा पे पहुंचा तो फिर वो उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया ओंकार जी 1965 में। और 1965 में जब इनका प्रोजेक्ट फेल हुआ तो इसके बाद फिर इन्होंने देखिए इसके लिए और ज्यादा प्रोजेक्ट आगे लॉन्च किए और फिर जब तक कामयाब नहीं हुआ सोवियत संघ तब तक उनके ये प्रयास लगातार चलते रहे। लेकिन आज के दिन इनका ये लूना 5 जो प्रोजेक्ट था वो फेल हुआ था, जिस तरह से आप कह लीजिए कि चंद्रमा के साउथ पोल पे जाने के लिए हिंदुस्तान ने भी ट्राई की थी और मिशन एक बाकायदा लॉन्च किया था, लेकिन पहुंचते पहुंचते ऑर्बिट हमारा गायब हो गया था ओंकार जी। इनका लैंड कर चुका था लेकिन लैंड करने के बाद वो गायब हो गया, उसका कनेक्शन संपर्क टूट गया था। अब एक ऐसे शहर की बात कर रहा हूं ओंकार जी जो रेत में बसा हुआ, रेत भी क्या, जहां पे आप कह लीजिए कि लू है, जहां पे रेतीला तूफान है, लेकिन वहां पे एक ऐसा खूबसूरत शहर बछाया गया जिस शहर, जो शहर इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और आज के दिन 1459 को उस शहर की स्थापना हुई थी। मैं राजस्थान के जोधपुर शहर की बात कर रहा हूं ओंकार जी। जोधपुर शहर 565 साल का आज हो गया ओंकार जी, और आज एक कह लीजिए कि 12 मई 1459 को अगर हम देखें तो इस शहर की जो स्थापना की थी जोधपुर की, राव जोधा ने इसकी स्थापना की थी, उनके नाम पे ही इस शहर का नाम जोधपुर पड़ा था, और इसे सन सिटी भी कहा जाता है, ब्लू सिटी तक का इसे नाम कहा जाता है, गेटवे ऑफ थार भी इसे कहा जाता है ओंकार जी। और इस शहर को अगर हम देखें तो यहाँ धूल भरी आंधियां चलती हैं, लू के तफेड़े यहाँ चलते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब तापमान यहाँ इस जोधपुर शहर का पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी ये इतना जोधपुर शहर इतना आप कह लीजिए कि खूबसूरती के साथ बसाया गया है। जैसे इसमें अगर हम कहें तो दुर्ग है, किले बहुत ज्यादा है, मेहरानगढ़ ये शहर है उस वक्त जब ये
बनाया गया था तो मकानों को एक जैसा रंग किया गया, जैसे जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है ना उकार दी, वैसे ही जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है, क्योंकि सभी घरों का रंग नीला किया जा सक किया इसमें गया था। क्यों किया गया था? ताकि गर्मी से बचा जा सके, तो एक जैसा कलर उन घरों को किया जा सक रहा था। और इसमें देखे तो ये शहर जो था, इस शहर के लिए 7 गेट उस वक्त बनाए थे, 7 एंट्री पॉइंट इस शहर के लिए रखे गए थे, 7 द्वार भी जिन्हें कहा जाता हूं कार जी, वो थे सोचती गेट, जालौरी गेट, नागौरी गेट, शिवांची गेट, मेड़ती गेट, और इसके साथ ही साथ 2 और थे जो जिनको कहा जाता है चांदपोल और सूरजपोल। और ये 10 किलोमीटर के भीतर ये शहर बसा था। और फिर बाद में इस शहर में आप देखिए कि आज के दिनों की बात करें तो तरक्की इस शहर ने इतनी की है कि अब ये कह लीजिए कि विरासत के तौर पे इस शहर को जाना जाता है ओंकार जी। तो आप कह लीजिए कि लू से लेके रेगिस्तान की, आप कह लीजिए कि रेतीली हवाओं के थपेड़े, तूफान के थपेड़े सहन करने के बाद भी जोधपुर शहर 565वां स्थापना दिवस अपना आज पूरी तरह से उसने मनाया है। एक आर्किटेक्ट का वो नमूना देखिए, वास्तु कला का, खासकर भारतीय वास्तु कला का नमूना देखिए कि रेत के बीच में बसा वो शहर किस तरह से आकर्षण का केंद्र आज भी बना हुआ है ओंकार जी। और कार्य